हेलो एवरीवन, आरफाज किचन में आज फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेलवेटी ग्रेवी वाला बहुत टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी। रेसिपी बहुत इजी रहने वाली है, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक लिक्विड मसाला बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए मैं ले रही हूँ आधा कप दही। इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब इन सबको हम मिक्स कर देंगे और इनको हम साइड रख देंगे। और अब हम पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। इसमें मैं डालूंगी 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 हरी इलायचियां, 4 लौंग, 6 से 7 काली मिर्चें। अब जब ये मसाले हल्के हल्के क्रैक होने लगेंगे तो हम इसमें डालेंगे 2 टमाटर जिनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, 1 बड़ी प्याज, 4 हरी मिर्च, ये थोड़ा सा हरा धनिया डंडियों के साथ, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है, 5 से 6 कलियां लहसुन की, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 10 से 12 काजू, 1/2 चम्मच नमक। अब इन सबको हमें टमाटर और प्याज के हल्के से गल जाने तक इस तरह से सौते कर लेना है। 1 प्याज ले रहे हैं तो टमाटर 2 होने चाहिए, अगर 2 प्याज ले रहे हैं तो टमाटर 4 होने चाहिए। ये परफेक्ट रेशियो होता है मसाला बनाने का। तो अब लगभग 5 मिनट तक इनको इस तरह से पकाने के बाद ये टमाटर और प्याज हमारे गल चुके हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर हम लोग रेडी कर लेंगे। दालचीनी हम इसमें से निकाल देंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमें बनाना है। ये देखिए आप लोग, मैंने बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बनाकर रेडी करा है। आप देख सकते हैं ना, ये कितना स्मूथ दिख रहा है। तो इस मसाले के लिए हमें बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी इस तरह से बनाकर रेडी करनी है, इसको बिल्कुल भी मोटा नहीं रखना है। और अब हम पैन में लेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल, के अंदर मैं ये डाल दूंगी 1 इंच का टुकड़ा इस तरह से अदरक का कटा हुआ और 1 हरी मिर्च इस तरह से कटी हुई। हमें इनको सौते कर लेना है 1 मिनट के लिए। तो अब इस तरह से सौते करने के बाद हम इसमें डालेंगे ये दही और मसालों का मिक्सचर जो हमने बनाकर रेडी करा था वो। अब इनको हमें भून लेना है अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक। तो ये देखिए, ये दही वाला मसाला भी हमारा अच्छे से भून चुका है, तेल इसने अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर, काजू और प्याज का पेस्ट, मिक्स कर देंगे। आधे कटोरी के लगभग हम इसमें पानी डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे, ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है जिसको मैंने इस शेप में ट्रायंगल में कट कर लिया है, आप किसी भी शेप का कट करके डाल सकते हैं। और इनको मिक्स कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून क्रीम के, मैंने बिल्कुल फ्रेश क्रीम ली है, इनको हम मिक्स कर देंगे। क्रीम के साथ हम इसमें क्रश करके डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा बिल्कुल वेलवेटी ग्रेवी वाला शाही पनीर। सीक्रेट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी रेसिपी आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी आप सबके लिए लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।